पकड़े गए हैं, इसके बाद फिर और गैंग मेंबर इनके पकड़े जाएंगे। टोटल 8 नाम है FIR में, जब हम ये मोनू मानेसर और इसके गैंग वाले फरार हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि अपने घर में वापस घुस पाएं। आपको लगता है कि 3 आदमी गिरफ्तार हो सकते थे अगर मंत्री जी FIR दर्ज नहीं कराती? भाई साहब, गौ कशी का केस है, गौ तस्करी का केस है, इस ऐसे मामलों में FIR दर्ज तो बहुत दूर की बात है। आप हमने तो फिर भी 3 मुजरिम पकड़वा दिए आपके, और अभी तो बाकी भी पकड़वाएंगे, कोई गुंजाइश कहीं पे भी नहीं छोड़ी मंत्री जी ने। इन्होंने जब पहला आदमी अरेस्ट किया था सैनी के नाम से, उसके बाद इनके पास एविडेंस इतना नहीं था पुलिस के पास कि वो सबको तुरंत अरेस्ट कर ले। सैनी को इंटेरोगेट किया है, उसने फिर अपना सच उगला है उस एविडेंस को लेकर, उस टेस्टिमनी को लेकर, और उसके अलावा भी काफ़ी गुप्त टेस्टिमनी हैं, बयान हैं, जिनको लेकर फिर पुलिस ने कार्रवाई करी है। अब आप ये देखिए, सरकारी काम है ना आपकी ना मेरी, सरकार अपनी पेस पे चलती है। जब पूरा उनके पास एविडेंस होगा, जब वो विश्वास के साथ जा सकते हैं, कानूनन तरीके से जाके गिरफ्तारी कर सकते हैं, तो ज़रूर करते हैं। आप देखिए, जब ये दुर्घटना घटी गई है, उसी दिन से ये मोनू मानेसर और इसकी गैंग वाले फरार हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि अपने घर में वापस घुस पाएं, और ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मंत्री जी ने अपना पूरा प्रशासन पे प्रेशर डाला और उनको बोला कि इसमें कोई भी डील नहीं चलेगी। और इसीलिए तो पहली बात तो FIR भी दर्ज हुई। आपको लगता है कि 3 आदमी गिरफ्तार हो सकते थे अगर मंत्री जी FIR दर्ज नहीं कराती? भाई साहब, गौ कशी का केस है, गौ तस्करी का केस है, इस ऐसे मामलों में FIR दर्ज तो बहुत दूर की बात है। आप हमने तो फिर भी 3 मुजरिम पकड़वा दिए आपके, और अभी तो बाकी भी पकड़वाएंगे, कोई गुंजाइश कहीं पे भी नहीं छोड़ी है मंत्री जी ने। जो कुछ बुरे एलिमेंट हैं कामा और पहाड़ी में, जो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए कुछ भी झूठ बोल सकते हैं और कुछ भी गुमराह कर सकते हैं जनता को, उनको कोई सीरियस नहीं लेता, ना हम ना जनता। हमने जो सीरियसली काम किया है